लेकिन भक्तों बहुत उद्यमी थे बालक, आज क्या किया है, बस 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 कोई बात नहीं, और आज जैसे ही अक्रूर जी ने कहा और वृंदा मथुरा वन में छोड़ा, और जब मथुरा में छोड़ा तो देखते ही देखते कि नंद बाबा से अनुमति ले ली, और अनुमति जब ली है, समय कम है क्योंकि परिचित जी आज हम बहुत ज्यादा गंभीर हैं, तुमसे ज्यादा हम गंभीर हैं, दो बार फोन आ चुका, हमारे माता जी की थोड़ी तबीयत खराब है, सुबह भी लेट हुआ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कपड़े गाड़ी में पहने सब चलते ही चलते, एक ये बजरंग बली का आश्रम पड़ता है, वो चबूतरा पे धोती बांध ली, धोती या कुर्ता गाड़ी में ही पहन लो जल्दी जल्दी में। प्रेमी सज्जनों, ये नाम पर्ची बना देना, आज जैसे ही नंद बाबा से अनुमति लेने के बाद जब चले हैं तो सबसे पहले मथुरा में धोबी से भेंट हो गई, और धोबी से भेंट हुई तो पूरे नरसा में अकेलो चलो, पूरी गली में अकेलो, कहूं जाओ और चलो जाए, कहूं जाओ और चलो जाए, पूरी गली में अकेला। लेकिन भक्तों, कोई विद्वान कहता है किसके पहने से चेहरे पे रोहानी आए, और ऐसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। भगवान कन्हैया ने धोबी से कहा है, जैसे ही धोबी से कहा कि वस्त्र हमें दे दो, तो बोले ये चेहरा है तुम्हारा पहनने लायक, भगवान से हम सुंदर कहते हैं धोबी। शासन है नंद बाबा की जागीर नहीं है, भगवान कन्हैया को क्रोध आया, आगे बढ़ के गए, एक तमाचा दिया, धोबी बेहोश हो गया। बताते हैं कुछ समय बाद खत्म हो गया, भगवान ने वो कपड़े लिए, दर्जी पे सेट कराए, और दर्जी पे सेट कराए, दर्जी को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ के चले गए, तो क्या देखा कि तीन जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक कुभिजा आ रही थी, कैसी है वो कुभिजा, भगवान कन्हैया ने पूछा तुम कौन हो कंस की दासी,
तिलक करते हैं हमारे भी कर दो। उचक की रह जाती है तिलक तक की पहुंचती तो भगवान ने एक थोड़ी से हाथ लगाया, पैर का अंगूठा दबाया, क्या किया एकदम देवी की तरह सुंदर बन गई। भगवान के तिलक किया, तिलक करने के बाद बड़े प्रेम से भगवान और आगे बढ़े जहां पर कोयलिया पीड़ हाथी लगा था और ये हमारे गले में रेनो गले में जो हार आया था। चंदे चलो नीरज कुमार कुंजपुर से एक हार हमारे, एक रहनो के, एक हमारे परिचित जी नवलदेव माता के। और 10-10 रुपए हमारे साथ वालों को, 10 रुपए कन्याओं को, 10 रुपए संतों को। आज प्रेमी सज्जनों क्या किया, जहां पहुंच गए 18 तार लंबा वो कोयलिया पीड़ा हाथी था। भगवान बोले भैया अपने कोयलिया पीड़ा हाथी को अलग कर लो। हाथी के दोनों दांत खींचे और दांत जब खींचे तो क्या किया, जैसे ही सभा में गुस्से 18 तार लंबा धनुष उठाया, भगवान ने कह दिया भैया एक बात याद रख ला, इस धनुष को उठा लो। और धनुष को जब तोड़ा कि हम धुकी और इस कदम झुकी,